वेलकम गाइस, डीपनेस ऑफ ड्राइविंग में आपका स्वागत है। ऑडी Q240 TFSI, ये हमारी चाबी है कुछ इस तरह से, और ये रही हमारी गाड़ी। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और वीडियो बनाते हैं। ये लॉक खोल दिए, डोर भी खोल दिए, ये हमारी की है, इसको हम ऐसे साइड में रख के गाड़ी चला सकते हैं। इन केस अगर आपका ये जो रिमोट है, की रिमोट है, अगर इसमें अगर बैटरी लो की वजह से अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, नहीं चालू होती, तो इधर पे एक सेंसर है। इस सेंसर के पास में ये अपने रिमोट को ऐसे अगर हम टच करके सेल्फ लेते हैं तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, अगर आपकी इसकी रिमोट की बैटरी अगर लो हो जाती है तो। अदरवाइज ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। पहले हम ये बटन दबाएंगे, इंजन स्टार्ट हो गया है। अब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ये ऐसा ब्रेक पे ऐसा पैर रखेंगे और फिर से इस स्टार्ट वाले बटन को दबाएंगे, तो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और जितने भी नोटिफिकेशन थे वो सब चले गए। अभी गाड़ी हमारी पार्किंग में है, रिवर्स, न्यूट्रल, डी फॉर ड्राइव। ये इसका एसी है सेंटर में, हम सिर्फ इसको प्रेस करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड का टेम्परेचर कंट्रोलर और ये राइट साइड का टेम्परेचर कंट्रोलर है, और ये बीच में फैन कम ज़्यादा करने के लिए ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैन कंट्रोलर है। ये ऑफ करने के लिए वापस से हम खाली इसको ऐसा दबा देंगे। ये रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब इसका हैंड ब्रेक अभी खींचा हुआ है। चलाने के टाइम हम खाली इसको हल्के से ऐसा प्रेस कर देंगे और जब वापस हैंड ब्रेक लगाना होगा तब ये वापस से ऐसा ऊपर कर देंगे, ठीक है। और गाड़ी को पार्किंग मोड पे डालेंगे, ये इधर पे इसका बटन दिया हुआ है, ये ऐसा हम पार्किंग पे अगर डालने जाएंगे तो जाने वाली नहीं है, इसीलिए ये हमको ये क्लच समझ के चलो या इसको अनलॉकिंग गियर हैंडल समझ के चलो, इसको हम ऐसा प्रेस करके अगर डालते हैं तो ये पार्किंग पे चला जाता है। पार्किंग पे से रिवर्स पे भी आने के लिए हमारे को वो अनलॉकिंग दबाना पड़ेगा, ये रिवर्स एंड डी, ठीक है। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी रहेंगी, नॉलेजेबल लगी रहेंगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो अपन जैगवार के बारे में बनाएंगे, जैगवार गाड़ी के बारे में। सब्सक्राइब करोगे तो वो देखने को मिलेगा। तब तक चलते हैं, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।